आज हमारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन काले कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। एक साल से ये आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में 800 से भी ज़्यादा लोग देहांत हो गया, कुर्बानी दिए, शहीद हो गए, लेकिन सरकार इस बात को नहीं मान रहे थे। जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में जो जनता का ताकत है वो हमेशा उसको जीत होता है। सत्ताधारी लोगों का राजशक्ति, ये संघर्ष था जनशक्ति के खिलाफ राजशक्ति। आज राजशक्ति जनशक्ति के खिलाफ उनका हार हो गया है और जो तीन काले कानून को जो वापस ले रहे, कोई कमिटमेंट से नहीं, आगे आने वाले चुनाव में लोग उनको सबक सिखाएंगे, बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे, इस डर से ये तीनों काले कानून को वापस लिए हैं। लेकिन ये जो आंदोलन है अभी नहीं रुकने वाला है, जब तक MSP गारंटी कानून को लागू कानून नहीं लाएंगे तब तक ये आंदोलन चलने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 चुनाव में स्वामीनाथन कमीशन लागू करके MSP गारंटी कानून लाने का वादा किए थे, लेकिन वो झूठा वादा हो गया। ऐसे झूठे लोगों के ऊपर हमारा कोई भरोसा नहीं है। ये आंदोलन चलता रहेगा, उसमें भी हम जीत पाएंगे, कामयाब बनेंगे।